ऐसे नहीं कि भागते भागते आप आए वक्त हुआ खजूर लिए और खा गए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व तबरकू दोस्तों हाजिर हूँ फिर से एक बार एक नई वीडियो के साथ दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप तमाम लोगों को मेरी जानिब से माह रमज़ान मुबारक का ये महीना बहुत बहुत मुबारक हो दुआ है अल्लाह इज़्ज़त की बारगाह में अल्लाह इज़्ज़त हम तमाम मुसलमान भाइयों को इस बाबरकत महीने से अल्लाह रबुल्ज़त इज़्ज़त माल फरमाए आमीन या रब्ल आलमीन दोस्तों आज हम और आप मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की एक बहुत ही अच्छी गुफ्तू सुनने वाले हैं इस माह मुबारक के ताल्लुक़ से जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम और आप मुबारक के महीने में इफ़ार किस तरीके से करना चाहिए इफ़ार करने का तरीक़ा क्या है उस तरीके को आज की इस वीडियो में हम और आप जानने की कोशिश करेंगे बहुत ही ज़्यादा आज की ये वीडियो नॉलेजबल होने वाली है दोस्तों वीडियो को आप लोग आखिरी तक ज़रूर देखने की कोशिश करें तो आइए दोस्तों बगैर तख़ीर किए हुए हम और आप सबसे पहले रमज़ान मुबारक में किस तरीके से अवतार की जाती है अवतार करने का तरीका क्या है आइए हम और आप जानने की कोशिश करते हैं उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मुलाकात करूँगा इसीलिए फरमाया गया कि जब इफतारी का दस्तरखान बिछता है और पहले ही आकर के लोग बैठते हैं और ये सुन्नत भी है ऐसे नहीं कि भागते भागते आप आए वक्त हुआ खजूर लिए और खा गए इफ्तारी के वक्त से थोड़ी देर पहले बैठ जाओ तुम्हारे दस्तरखान पर नियामतें रखी हुई हैं फल भी हैं मेवाजात भी हैं कुछ खाने पीने की चीज़ें भी हैं ठंडा शरबत भी है देखते हुए बैठे हैं आप लेकिन हाथ नहीं लगाते हैं इंतज़ार है वक्त का कि इधर सूरज के गरूब होना है और मेरी इफ्तार होनी है ऐलान सुनते हैं अजान सुनते हैं उसके बाद आप उठाते हैं लेकिन उतनी देर तक आप खामोश बैठे हैं दस्तरखान के पास सारे लोग देखते रहते ये वो मंजर है जिसको फरमाया गया रब जुल जलाल भी अपने बंदों को देख रहा है रब तबारक वाला भी देख रहा है अपने बंदों को और सारे फरिश्तों को बुलाकर मेरा मौला ऐलान फरमाता है ये मेरे बंदे हैं देखो ये शाम का वक्त है इनके हलक सूख चुके हैं इनके पेट में भूख की शिद्दत है और इनके सामने अच्छी नियामतें पड़ी हुई हैं ऐ फरिश्तों देखो मेरे इन बंदों में से कोई भी इन नियामतों को हाथ नहीं लगाता ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए भूखे और प्यासे हैं और फरिश्तों से अल्लाह फरमाता है तुम गवाह हो जाओ इनकी हलक तर होने से पहले इनके लिए मैंने जन्नत लिख दिया इसीलिए लिए पाक में है जब इफ्तार करते मेरे वसल्लम यूं इरशाद फरमाते ذهب الذمؤ وابطلت العروق وثبت الاجر ان प्यास बुझ गई रगें ठंडी हो गई और अजर अल्लाह के हाँ पक्का हो गया यह हुजूर पाक हर इफ्तार में अर्ज करते थे मैं आपको यह अर्ज कर रहा हूं कि यह छुपी हुई चीज इसी का नाम तक्वा है आप सिर्फ और सिर्फ बचे हैं अल्लाह के खौफ से अब सुनो हदीस पाक कयामत के दिन हिसाब व किताब होगा और जन्नत में जाने का परवाना कुछ लोगों को मिल जाएगा और सब जन्नत की तरफ जा रहे होंगे उसमें बहुत सारे लोग हैं जो पुल सिरात पर चल करके जन्नत पहुंचेंगे अब जब काफ़ी लोग जन्नत के दरवाज़े पर पहुंचेंगे एक जमात ऐसी होगी जो पूरे रास्ते में कहीं नज़र नहीं आई जन्नत जाने के रास्ते में कहीं नज़र नहीं आई लेकिन जन्नत के दरवाजे पर वो पहले से मौजूद थे चले थे नहीं चले थे किसी ने देखा ही नहीं दूसरे जन्नती उनसे पूछते हैं उस जमात से कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे और ये इनाम किस बात का है तुम्हारे लिए तो वो जन्नती कहते हैं हमें रोज़ेदारों की जमात में रखा गया हमारे रोज़े अल्लाह को पसंद आए और आज रब तबारक का हुक्म हुआ कि सारी दुनिया से छुप कर तुम मेरे लिए रोजा रखते थे दुनिया को पता नहीं था तुम भूखे हो प्यासे हो और ए बंदो आज सारे लोगों की नजरों से छुपा कर मैं तुम्हें जन्नत वो एक जमात ऐसी है जो रास्ते भर चलती हुई नजर तो नहीं आई लेकिन जन्नत में पहुंच गई वो रोजेदारों की है दुआ है अल्लाह इज़्ज़त की बारगाह में अल्लाह इज़्ज़त हम तमाम मुसलमान भाइयों को मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की इस बात पे अमल करने की तोफ़ीको रफ़ी कतः फरमाए आमीन या रबल आलमीन दोस्तों आप लोग भी कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखें और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों तक इसी तरीके से सही कॉन्टेंट दीनी कॉन्टेंट अच्छी खबर अच्छी न्यूज़ पहुँचाने की कोशिश करूँ जी हाँ दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहें हमारे चैनल एच ए वाइस को आप लोग सब्सक्राइब करके रखें फिर मैं आप लोगों से मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के अस्सलाम वालेकुम अल्लाह हाफ़